अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसोफेजियल पैथोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसोफेजाइटिस। व्हाट इज़ एसोफेजाइटिस? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस। अब उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैलरी वीस टीयर्स। ये क्या है? इट इज़ बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल टीयर एट गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। ये जो हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन होता है, वहाँ पर ये एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर आ जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल टीयर क्यों आया है? ड्यू टू सिवियर वॉमिटिंग और रेचिंग। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? बेसिकली हमारे पास कि प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग अगर किसी को कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है और काफ़ी लंबे अरसे तक वॉमिटिंग रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो नहीं होगी। और एज अ रिजल्ट हमारे पास गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स करेंगी इनटू एसोफेगस, डेट कॉजेस एसोफेजियल वॉल टू स्ट्रेच, और एज अ रिजल्ट हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल टेयर होगा। अब इस पूरी पैथोजेनेसिस के रिजल्ट में तो ये लॉन्गिट्यूडनल टेयर हो गया। अब इसकी कॉज क्या है कि इतनी ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग क्यों हो रही है? इसकी कॉज है हमारे पास अल्कोहल। अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र है तो अल्कोहलिज्म कैन लीड टू दिस कंडीशन, मैलरी वीस टीयर्स। और इसमें पेशेंट हमारे पास किस तरीके से अपेयर करता है, पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी होती है? मैंने कहा कि कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही थी, अब वो होते होते वो टेयर हो गया और पूरी लॉन्गिट्यूडनल टेयर की वजह से अब पेशेंट जब हमारे पास आएगा, इट विल इनकी हिमाटमेसिस कंडीशन होगी, उसकी ब्लड आ रहा होगा उसकी वॉमिटिंग में। अब ये उसकी प्रेजेंटेशन होगी और कॉज होगी। अब एज अ रिजल्ट फर्दर ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है इनटू अनदर सिंड्रोम, दैट इज बेरहैव सिंड्रोम। बेरहैव सिंड्रोम क्या है हमारे पास? जिसमें जो हमारे पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल टीयर्स बने थे ना मैलरी वीस टीयर्स में, इसमें क्या होगा, वो टीयर्स पूरे डिस्टल एसोफेगस को रप्चर कर देंगे। तो दिस इज रप्चर ऑफ डिस्टल एसोफेगस। अब हम मैलरी वीस टीयर्स के बाद नेक्स्ट जो एसोफेजाइटिस में पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल एसोफेजाइटिस। बेसिकली हमारे पास जो एसोफेगस की एपिथीलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। अब ये हमारे पास डैमेज्ड हो जाती है ड्यू टू इरिटेंट्स। केमिकल्स है ना, तो केमिकल्स में हमारे पास इरिटेंट्स आ जाते हैं। अब कौन कौन से केमिकल्स और इरिटेंट ये कॉज करवाते हैं? उसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन अल्कोहल, कोरोसिव्स। अब कोरोसिव्स में आइदर इट इज़ एसिडेड और अल्कलाई, दोनों ही, क्योंकि वो कोरोसिव इन नेचर है तो दोनों से ही कंडीशन होगी। स्मोकिंग, कुछ मेडिकेशंस होती हैं कि जिनमें एसोफेजाइटिस हो रहा होता है, दैट इंक्लूड डॉक्सीसाइक्लिन। और इसके अलावा रेडियो और कीमोथेरेपी, उनके एडवर्स इफेक्ट में। इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास, वो किस कंप्लेंट से आएगा, कि उसे हो रहा है ओडाइनोफेजिया। नाउ व्हाट इज ओडाइनोफेजिया?
इट इज पेनफुल स्वेलिंग, कि वो जो पेशेंट है उसको जब वो खाना खाता है तो उसे पूरे थ्रू आउट द एसोफेगस और ओरल कैविटी से उसे सिवियर पेन होता है, वो कुछ खा पी नहीं पा रहा। और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जैसे हमें पता है कि कोई भी कोरोसिव एजेंट अगर कोई इंजेस्ट कर लेता है तो उसमें दो फीचर्स हमें मिलते हैं, अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन। तो यही इसकी मॉर्फोलॉजिकल अपेयरेंस होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस। अब ये हमारे पास हो रही होती है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब है कि कोई पेशेंट है या कोई भी है जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ हुआ है, वीक हुआ हुआ है, उसमें ही होगा जिसमें हो क्या रहा होगा कि पैथोजन आइदर बैक्टीरिया वायरस कोई भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर जाएगा इनटू लैमिना प्रोप्रिया और कॉज करेगा नेक्रोसिस ऑफ अंडरलाइंग म्यूकोजा। अच्छा, इसकी भी जो पेशेंट की कंप्लेन होती है वो यही होती है कि वो ओडाइनोफेजिया, दैट मींस पेनफुल स्वॉलोइंग। अब इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस में हम तीन बेसिस पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, मतलब कोई वायरस कॉज कर रही है इसोफेजाइटिस। इसमें जो हमारे पास अल्सर्स की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू दिस हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, दैट विल बी पंच्ड आउट अल्सर्स। पंच्ड आउट अल्सर्स कैसे होंगे कि वो छोटे होंगे देखने में मगर डेप्थ में वो काफ़ी डीप होंगे, स्मॉल एंड डीप। ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के जो अल्सर्स होंगे वो इस तरीके के होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये फॉर्म करेंगे मल्टी न्यूक्लिएट जॉइंट सेल्स विथ इंटर न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। एक ये वायरस हो गया। सेकेंड हमारे पास है साइटोमेगेलो वायरस, अब इसमें किस तरह के अल्सर्स मिलेंगे हमें, लीनियर एंड शैलो। इसका क्या मतलब है कि देखने में तो लार्ज होंगे मगर डीप नहीं होंगे बल्कि सुपरफिशियल होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट होंगे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के अल्सर्स के। और यहाँ पे क्या था, इंटर न्यूक्लियर इंक्लूजन्स थी ना, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर और इंटर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स विथ कैपिलरीज एंडोथीलियम। अब एक और है दैट इज कैंडिडा अल्बिकन्स, जो कि है फंगल इन्फेक्शन। ये फंगस इसोफेजाइटिस कॉज करेगा, जिसमें हमारे पास किस तरीके के अल्सर्स बनेंगे, पैची ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेनस अल्सर्स। अब कैंडिडा अल्बिकन्स में ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेनस अल्सर्स मिल गए हमें, साइटोमेगेलो वायरस में हमें मिले थे शैलो अल्सर्स, जबकि हर्पीज में पंच्ड आउट अल्सर्स। ये तीन तरह के अल्सर्स मिलेंगे इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस जर्ड। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस और जर्ड में क्या होता है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू लोअर इसोफेगस दैट रिजल्ट इन
एसोफेजियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। अब क्या हुआ कि स्टमक का जो कंटेंट है अलोंग विद इट्स एसिड, वो हमारे पास एसोफेगस की लोअर पार्ट में आया ड्यू टू रिफ्लेक्स, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एसोफेगस में इरिटेशन होगी, क्योंकि एसोफेगस की म्यूकोजा जो होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं रखती है फॉर द एसिड्स ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से यहाँ पर इरिटेशन होगी एंड दैट विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन। अब क्या एक और बात कि एसोफेजियल की जो एपिथीलियम है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम है, वो एब्रेशन ऑफ फूड से तो प्रिवेंटेड होती है, रेजिस्टेंट होती है, उसको फूड कंटेंट तो कुछ नहीं कहता, मगर एसिडिक कंटेंट ऑफ द स्टमक उसके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस में ये है कि रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस हुआ है। अब वो क्यों हुआ है, उसकी दो रीजंस है हमारे पास। आइदर हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया है, नंबर वन, और नंबर टू हमारे पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन कम हो गई है। इन दोनों में से कोई भी वजह हुई जिसकी वजह से गैस्ट्रिक ऊपर आया। अब इन दोनों को कॉज करने वाली जो अदर कंडीशंस हैं इनके अलावा, वो ये हैं कि अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है कंटिन्यूस क्रॉनिक, या टोबैको यूज़ करता है, ओबेसिटी, सीएनएस डिप्रेशन, या हाइटल हर्निया, और इसके अलावा ये जर्ड की कंप्लेन प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द स्क्वैमस एपिथीलियम होंगे। अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमारे पास अर्ली इंजरी है, लाइक जर्ड अभी न्यू स्टार्ट हुआ है और अर्ली डायग्नोसिस हो गई है, तो हमें मिलेंगे इंट्रा एपिथीलियल इयूजिनोफिल्स। मगर अगर ये लेट इंजरी है तो हमें मिलेंगे इंट्रा एपिथीलियल न्यूट्रोफिल्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एसोफेगस क्या क्लिनिकल फीचर्स दे रहा होता है वो, और एक्स्ट्रा एसोफेजियल, ये दोनों अलग अलग हम बात करते हैं। एसोफेगस में हमारे पास हार्ट बर्न हो रहा होगा, जैसे वो पेशेंट्स बोलते हैं ना सीने में जलन हो रही, वो चेस्ट पेन एटिपिकल, डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन, और वाटर ब्रैश। वाटर ब्रैश एक हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें सलाइवा की एक्सेस अमाउंट जो होती है वो मिक्स्ड हो जाती है विद द स्टमक एसिड, और वो थ्रॉट तक बेसिकली मिक्सिंग हो रही होती है, तो दैट इज़ वाटर ब्रैश, सलाइवा मिक्सेस विद द स्टमक एसिड। और इसके अलावा एक्स्ट्रा इसोफेजियल की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमारे पास आ जाता है कफ, एस्थमा एंड लैरिंजाइटिस, ये तीन कंडीशन एक्स्ट्रा इसोफेजियल आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आ जाते हैं अल्सरेशन, हेमाटेमेसिस मींस ब्लड एंड वॉमिटिंग, मेलिना, ब्लड एंड स्टूल, अच्छा, और इसके अलावा स्ट्रक्चर, नैरोइंग ऑफ द एसोफेगस हो सकती है, और लास्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है बैरेट एसोफेगस, कि अगर हमारे पास इसे ट्रीट और डायग्नोज टाइम पे नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो इट विल लेड टू एन अदर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन डैट इज़ नोन एज बैरेट एसोफेगस, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स देते हैं,
जो कि हमारे पास ओमिप्रोजोल, जिनका काम क्या है कि रिड्यूसेस एसिडिटी को रिड्यूस करना। अच्छा, अब अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें हमारे पास पीपीआई से ये ट्रीटेबल नहीं हो रहा और एसिडिटी कम नहीं हो रही, और पेशेंट बोल रहा है कि उसको खाने में तकलीफ़ हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है, अब वो खा नहीं पा रहा, तो उसे एनीमिया होगा और वेट लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली पेशेंट का, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एंडोस्कोपी करवाएंगे पेशेंट की, और पॉजिटिव फीकल ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट, ये एक और टेस्ट होता है जो कि हमारे पास इसकी डायग्नोसिस में होता है, डैट इज़ पॉजिटिव फीकल ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट, ये दो टेस्ट करवाएंगे हम इसके। अब हमने यहाँ तक मैलरी वी स्टेयर्स, केमिकल इसिफेजाइटिस, इन्फेक्शियस इसिफेजाइटिस और रिफ्लेक्स इसिफेजाइटिस तक कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इओजिनोफिलिक इसिफेजाइटिस।